हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और नरमा कपास कॉटन का सीजन आ गया है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और फ्लावरिंग शुरू होने के साथ में ही जो एक हम सभी किसानों के अंदर जो एक बहुत बड़ा डर था फैला हुआ, गुलाबी सुंडी का, वो गुलाबी सुंडी का अटैक भी शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तकनीकी जानकारी शेयर करेंगे आपके साथ में, जिससे कि आप पूरा 100% कंट्रोल जो है वो गुलाबी सुंडी पे पा सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि गुलाबी सुंडी से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप संपूर्ण तकनीकी जानकारी से, थोड़े से अगर हम तकनीकी खेती करेंगे तो हम इस सुंडी से बिल्कुल 100% कंट्रोल पा सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि अगर अभी तक आपने आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आगे इसी तरह की तकनीकी जानकारियों की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। और क्योंकि आपका अपना ये जो चैनल है, इस पे संपूर्ण प्रैक्टिकल तकनीकी जानकारी आपको शेयर की जाती है, जैसी जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। दूसरा मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कपास लगाने वाले किसान हैं उनको शेयर करें, ताकि वो घबराए नहीं और अच्छे से उसको समझ के और गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण पा सके। तो जब हम गुलाबी सुंडी की, अगर मैं इसके कंट्रोल की बात करूं, तो सबसे पहले हम जानते हैं, फ्लैश बैक में जाते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम पिछले साल का जो कॉटन के जो स्टिक्स हैं उनको हम काट के जो ढेर लगा देते हैं, या हम खेतों में लगा देते हैं, या गांव के पास लगा लेते हैं, उसके अंदर ये गुलाबी सुंडी जो है ये छुपी हुई रहती है। जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो जो है नुकसान के जो लक्षण हैं वो आपको खेत के अंदर जो खराब जो हमारी बोल है, जो अच्छे से ओपन नहीं होती है, उसके अंदर आपको दिख जाते हैं। तो यहीं से इसकी जो है एक तरह से मैं कहूँगा कि गुलाबी सुंडी की शुरुआत होती है। तो अब हम सबसे पहले इसका जीवन चक्र समझते हैं, क्योंकि जितना आप इस गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र को या गुलाबी सुंडी को समझोगे, उतना ही आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, तो इसकी शुरुआत जो होती है, अगर नए साल में मैं इसकी बात करूं शुरुआत की, तो वो होती है हाइबरनेटिंग, जो इसका जो लार्वा है यहाँ से ये प्यूपा में बदलता है, और जैसे ही गर्म मौसम आता है उस प्यूपा से जो इसकी है वो अडल्ट या वयस्क निकलता है। वयस्क की जो जीवन होता है वो लगभग 5 से लेके और 30 दिन, लगभग 1 महीने का होता है। इसी तरह से जब वो अंडे देती है, और ये बड़ी शातिर है, ये अंडे भी फूलों के ऊपर देती है। जो इसके अंडे होते हैं वो आप जहाँ पे जैसे देख रहे हैं गोलाकार व्हाइट कलर के होते हैं, और इन अंडों से 3 से 7 दिन के अंदर जो है वो सुंडी या जो लट है या कैटरपिलर वो निकल जाता है। और ये जो कैटरपिलर है, इसकी 7 दिन से लेके 21 दिन तक का इसका जीवन चक्र होता है। ये डिपेंड करता है, अगर इसको बहुत अच्छे से फूल मिल गए तो ये मतलब फटाफट 7 दिन के अंदर ये आगे प्यूपा में चला जाता है, और प्यूपा से फिर वापस ही एडल्ट बन जाता है। और जैसे ही हमारी जब फसल कटने वाली होती है, नवंबर दिसंबर का जब समय आता है, जब हम फसल काटते हैं, तो ये जो गुलाबी सुंडी है इतनी शातिर होती है कि ये क्या करती है, 2 कॉटन के बीज के खा के उसको जोड़ के और उसके अंदर ये बैठी रहती है, जिसको हाइबरनेटिंग स्टेज कहते हैं। और ये जो हाइबरनेटिंग स्टेज होती है, ये इसकी आप यूँ माने कि लगभग 4 महीने से लेकर 7 महीने तक ये इनएक्टिव या हाइबरनेटिंग स्टेज में रहती है। और जैसे ही फिर आगे मई जून का महीना आता है, जैसे ही गर्म दिन शुरू होते हैं, ये जो हाइबरनेटिंग लार्वा है ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा से फिर ये वापस जो है ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका जो जीवन चक्र है, इसको अगर हम समझेंगे और इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम जो गुलाबी सुंडी पे भी कंट्रोल पा लेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गुलाबी सुंडी का अटैक चालू हो गया, और इसका अटैक जैसे मैंने कहा फूलों पे ही चालू होता है। तो जैसे ही फूल निकले, आपको ये रोजेट फ्लोवर जैसे कहते हैं, ऐसे अगर आपको एक फूल बंद मिले या आप फूल को उसको खोल के देखेंगे, तो उसके अंदर से जो उसके परागण है उसके ऊपर आपको छोटी सी सुंडी भी मिल जाएगी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो गुलाबी सुंडी का जो है वो अटैक शुरू हो गया है। ये फिर फूल से जब बोल बनते हैं, 15-20 दिन पुराना बोल हो जाता है, तो ये उस बोल के अंदर चली जाती है, और अंदर से पूरे जो ये बोल के अंदर जो जो हमारे जो कॉटन का जो सीड होता है उसको ये खाती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉटन सीड खा के उसको पूरा गंदा कर देती है।
और अंत में जब हम क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं या जो पिक करते हैं हम कॉटन को, तो उसके अंदर भी ये चली जाती है। तो ये इसका पूरा एक तरह से लाइफ साइकिल है कि कहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ तक ये चलती है। यानी ये आप यूँ समझें कि जून जुलाई से इसका अटैक नवंबर दिसंबर लास्ट तक रहता है और फिर ये हाइबरनेटिंग स्टेज में चली जाती है। तो अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर आपके खेत के आसपास आपने अगर जो कॉटन स्टिक्स का ढेर लगा रखा है, तो मैं कहूँगा कि उसको आप वहाँ से उठा दें। उसको उठा लिया है आपने, तो उसके नीचे जो कचरा बचा हुआ है, जो अन ओपन्ड बोल थे, जो खराब बोल थे, उसके अंदर इस सुंडी की हाइबरनेटिंग स्टेज रहती है, तो वो ख़त्म करने के लिए आप उनको जला दें या नष्ट कर दें या उनको वहाँ से अपने खेत से हटा लें। दूसरा काम आपको ये करना है कि जैसे ही हमारी फसल में फूल आने वाली व्यवस्था हो जाती है, स्टेज आ जाती है, लगभग 50-60 दिन के बाद में एक एक दो दो फूल जब दिखने लग जाए, उस समय पे हमको फिरोमोन ट्रैप लगाने हैं हमारे खेत के अंदर। ये हम 5 से लेके 20 तक प्रति एकड़ लगा सकते हैं हमारी सुविधा के हिसाब से। उसके अंदर हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और मास ट्रैपिंग भी कर सकते हैं, ताकि अगर गुलाबी सुंडी हमारे खेत में आए तो हमको पता लग जाए। और मैं कहूँगा कि आजकल कॉटन फैक्ट्रीज भी हमारे खेतों के आसपास काफ़ी हो गई है, तो ऐसे किसान भाई जिनके खेत अगर कॉटन की फैक्ट्री के आसपास हैं, तो वो गुलाबी सुंडी से बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें, अपने खेत को मॉनिटर करते रहें और फेरोमोन ट्रैप ज़रूर लगाएं, जिससे हमको मॉनिटरिंग भी हो और मास ट्रैपिंग भी हो। इसके साथ साथ एक नई टेक्नोलॉजी भी पिछले 2 साल से हमारे भारत में आई हुई है, जिसको स्प्लैट PBW कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म मैं कहूँगा तो स्पेशलाइज्ड फिरोमोन एंड ल्योर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी एक तरह से ये फिरोमोन ट्रैप की तरह ही है। और इंडिया में ये एक नेटमेट कंपनी है जो अभी ये जो ल्योर है, गोसिप ल्योर जो 4% है, वो अवेलेबल करवा रही है। ये लगभग 400 जगह पे 1 एकड़ में 2 x 5 मीटर की दूरी पे इसको पौधों के ऊपर लगाया जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, पौधे की हाइट से लगभग आधा फिट नीचे इसको जहाँ पे पत्ती होती है वहाँ पे इसको, ये पेस्ट होता है एक तरह से टूथपेस्ट की तरह, वहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो ये भी एक तरह का फिरोमोन ट्रैप है। ये जो मेल जो वयस्क होता है, अडल्ट होता है, वो भ्रमित हो जाता है और वो फिर आगे इससे मेटिंग नहीं कर पाता है। तो आप ये भी अपने खेत में चाहें तो लगा सकते हैं। इनको 3 से 4 बार लगाना होता है, विधि इसकी पूरी जो है यहाँ पे दी हुई है। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जैसे ही गुलाबी सुंडी आती है हम सब घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद में हमको सिंपल जो है वो एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स जो है बाजार में वो दिखाई देते हैं। जैसे मैं कहूँगा साइपरमेथ्रिन है, एल्फामेथ्रिन, बीटा सिफ्लोथ्रिन, बाइफेनथ्रिन, फेनवलरेट, फेनप्रोपेथ्रिन, ऐसे जितने भी जिनके लास्ट में THRIN लगा हुआ है, आप ऐसा समझे वो सारे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये एक निवेदन है कि किसी भी सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का जो इस्तेमाल है, पूरी आप कोशिश करें कि 100 दिन से पहले इनका इस्तेमाल नहीं करें। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे खेत में जो लाभदायक कीट होते हैं, जो नेचुरल एक तरह से कंट्रोल होता है गुलाबी सुंडी का, वो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स के यूज से वो जो नेचुरल एनिमीज हैं इनके, वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमारा गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसके अलावा फिर क्या हमारे पास में केमिकल कंट्रोल है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, जैसे मेरा इस पे वीडियो भी बना हुआ है और राइट साइड में इस वीडियो के कोने पे इसका लिंक भी आ रहा है, वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं। 100 रुपये से भी कम खर्चे में आप घर पे NSK ही तैयार कर सकते हैं। और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि इसका बहुत सारे किसानों ने प्रैक्टिकल यूज़ किया है। इससे गुलाबी जो सुंडी है वो अंडे ही नहीं दे पाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। अंडे दिए तो अंडे ख़त्म हो जाएंगे, वो जो गुलाबी सुंडी है वो एक तरह से बांझ हो जाएगी। तो आप इसकी पूरी जानकारी वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप NSK नहीं बना सकते हैं, तो जो नीम बेस इंसेक्टिसाइड बाजार में आ रहे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1500 PPM, 3000 PPM, 10000 PPM तक के आ रहे हैं। इनको हम 2 से 5 ml प्रति लीटर पानी की डोज से हम इनका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी हमारे इनिशियल स्टेज में, जो अभी की जो हमारी कपास की फसल है, 70-80-90 दिन 100 दिन तक, उसके ऊपर ये बहुत ही प्रभावी है।
इसके अलावा अगर मैं केमिकल्स में बात करूं तो आप शुरुआत के अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट, जैसे जो सिंजेंटा का प्रो क्लेम आता है या सीरम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का बेंजो आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ है। इसी तरह से क्यूनाल फास्ट जो है, ये सिंजेंटा का एक अलग सा है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के साथ साथ जो थ्रिप्स या जो हल्की फुल्की अगर वाइट फ्लाई भी आई हुई है तो उसके ऊपर भी ये दोनों जो है इंसेक्टिसाइड काफ़ी प्रभावी है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि रिसेंटली जो सिंजेंटा ने है एक प्लेसेविया के नाम से इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया है, जिसके अंदर साइंट्रानी लिप्रोल है 1 लीटर में 80 ग्राम, और इसके साथ में डाइफेंथ्यूरोन है 400 ग्राम। तो ये जो इंसेक्टिसाइड है ये भी बहुत प्रभावी है, और इसकी जो डोज है वो 625 ml प्रति हेक्टर, या मैं कहूँगा 250 ml प्रति एकड़ है। ये आपको, क्योंकि इसके अंदर 2 साल्ट है, तो 2 साल्ट होने के कारण ये अपने जितने भी रस चूसक कीट है, जैसे जेसिड, वाइट फ्लाई, थ्रिप, एफिड, उनके साथ साथ पिंक वोलवर्म को भी ये कंट्रोल करता है, तो आप इसका भी स्प्रे अभी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये फैल रही है बीमारी, तो आप उसके अंदर फिर फेनप्रोपेथिन जो एक आ रहा है, हालांकि सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है जैसा मैंने कहा, इसका इस्तेमाल आपको सबसे लास्ट में करना है। सुमिटोमो का जो डेनिटोल के नाम से आ रहा है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या फेनप्रोपेथिन प्लस पायरीप्रोक्सीफेन जो आ रहा है सुमिटोमो का, या आ रहा है सुमीप्रेम्प्ट के नाम से जो आ रहा है, 200 से 300 ml प्रति एकड़ जो है, हम इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो दोनों जो इंसेक्टिसाइड है, ये गुलाबी सुंडी के साथ में जो हमारे दूसरे जैसे थ्रिप्स है, माइट है, सकिंग पेस्ट है, उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के और इसको कंट्रोल करना चाहेंगे गुलाबी सुंडी को, तो निश्चित रूप से ये कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा किसान भाइयों, कृपया अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और लास्ट में फिर कहूँगा कि इस वीडियो को सभी कपास उगाने वाले किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।